हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आपका अपने चैनल एजुकेशन सेंटर में वेलकम करती हूँ। टुडे आई विल टीच यू मैथ क्लास 3rd chapter 9। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको मैथ का चैप्टर 9 सिखाऊंगी, जिसका टॉपिक है मनी। मनी को कैसे निकालते हैं वो इस वीडियो में आप सीखेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 9.2 में मनी। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है, कन्वर्ट ईच इनटू पैसा। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पैसे में। रुपीज को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। 6 रुपीज हैं तो 6 रुपीज को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। लाइक एज वी नो डेट, आप जानते हैं कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। ओके, तो फिर 6 रुपीज में कितने पैसे होंगे, कैसे क्या करेंगे। 6 = 6 × 100 पैसे, तो 6 को पैसों में मल्टी कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 600 पैसे। ओके, यहाँ पर 9.82 को हमें कन्वर्ट करना है पैसों में। ओके, तो ये कैसे करेंगे, एज वी नो डेट सेम वही यूज होगा, 1 रुपीज में 100 पैसे। तो यहाँ पर नोट करेंगे 9.28, ठीक है, = 9.28 × 100 पैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट है उसको, तो हम यहाँ से ये पॉइंट हटा देंगे और इसको 928 ऐसे लिखेंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा। ओके, × 100। तो 100 से 0 से 0 कट हो जाएंगी, 1 से 1 कट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, केवल 928। तो ये क्या, ये हो गया आंसर 928 पैसे। तो 9 रुपीज 28 पैसे में कितने होंगे, 928 पैसे हो जाएंगे। इसी तरह से सारे सम्स ये हमारे होंगे। ओके स्टूडेंट्स।